प्लस वन स्टूडेंट आज बिजनेस स्टडी में करेंगे टाइप्स ऑफ द रिटेलर्स। ये हमारे रिटेलर्स के जो छोटे छोटे रिटेलर्स होते हैं उनकी टाइप्स हैं। आज हम उन टाइप्स को करेंगे। सबसे पहले हॉकर्स और पेडलर्स, चीप जैक्स, वीकली मार्केट ट्रेडर्स, इनफीरियर गुड्स ट्रेडर्स और स्पेशल इवेंट्स ट्रेडर्स। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हॉकर्स, ऐसे ट्रेडर्स, ऐसे रिटेलर्स जो हमारी गलियों में आते हैं, रेडी पर सामान बेचने, सब्जी वाला होता है या अपने सिर पर कुछ चद्दर चूड़ियाँ और अपने कंधे पर कुछ डिफरेंट टाइप की चद्दर वगैरह लेकर गलियों में घूमते रहते हैं और अपना छोटा मोटा सामान बेचते हैं, उसको हम हॉकर्स और पेडलर्स कहते हैं। न्यूज़पेपर देने वाला हो, दूध देने वाला हो, गली में सब्जी बेचने वाला हो, वो आवाजें लगाएगा, आपको इनवाइट करेगा अपनी चीज खरीदने के लिए। उसके बाद होता है हमारा चीप जैक्स, ऐसे ट्रेडर्स जो कि सस्ती चीजों में व्यापार करते हैं और सड़क के किनारों पर पगडंडियों पर बैठे रहते हैं, उसको हम चीप जैक्स कहते हैं। इसके बाद होता है वीकली मार्केट ट्रेडर्स, कई शहरों में हमें देखने को मिलता है कि सप्ताह में एक एक दिन बाजार लगता है जिसे हम संडे बाजार कहते हैं। कई शहरों में ये मंडे को बाजार लगता है, कई शहरों में फ्राइडे को बाजार लगता है। तो सप्ताह में एक दिन बाजार लगता है, तो उस बाजार में कुछ विशेष प्रकार की चीजें मिलती हैं। तो सारे लोग वहाँ पर, व्यापारी सड़क पर या कुछ बेंच बिछाकर अपना सामान बेचते हैं और सारे ग्राहक भी उसी दिन वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। जिन्हें सस्ता सामान खरीदना होता है उसे हम वीकली मार्केट कहते हैं। कई बार हमें ये मार्केट देखने को मिलती है कि हम सेकंड हैंड गाड़ियाँ, सेकंड हैंड स्कूटी, सेकंड हैंड बाइक खरीदना चाहते हैं, तो पर्टिकुलर शहरों में वो बाइक वो स्कूटी हमें मिलती है, तो उसे हम वीकली मार्केट कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है गिफन गुड्स ट्रेडर्स, ये ऐसे व्यापारी होते हैं जहाँ पर लोअर क्वालिटी की चीजें मिलती हैं। अब जैसे सर्दी का मौसम है, हर एक व्यक्ति जर्सी स्वेटर कोट वगैरह नहीं खरीद सकता, तो सड़कों के किनारे पर ऐसे ऐसे बहुत सारे व्यापारी मिल जाएंगे जिनके पास स्वेटर्स जो होती हैं वो सेकंड हैंड होती हैं और वो 100-100 रुपए में कोट और स्वेटर दे देते हैं, जिसे कम आय के लोग खरीद कर सर्दी से अपने शरीर का बचाव करते हैं। ऐसे ही खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं, चाहे वो फल हैं, चाहे वो सब्जियां हैं, चाहे वो घर में यूज़ होने वाली और चीज़ें हैं, वो भी बहुत कम कीमत पर इन व्यापारियों के पास मिलती हैं, उसको हम गिफन गुड्स कहते हैं। जिस भी व्यक्ति की आय बहुत कम होती है वो इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। जैसे जैसे किसी व्यक्ति की इनकम का स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है वो इन गिफन गुड्स को छोड़ते जाते हैं। स्पेशल इवेंट्स ट्रेडर्स, ऐसे ट्रेडर्स, ऐसे व्यापारी जो हमें मार्केट में कुछ विशेष मेलों पर विशेष दिन दिखाई देते हैं और अपना सामान बेचने के बाद अगले दिन हमें उस मार्केट में ये दिखाई नहीं देते हैं। जैसे हमारे यहाँ हरियाणा में तीज का मेला लगता है, गुग्गा नौमी का मेला लगता है, तो जिस दिन वो त्योहार होता है उस दिन ये व्यापारी अपने खिलौने और छोटा छोटा सामान बेचने के लिए हमें मार्केट में दिखाई देंगे और पूरी मार्केट भर जाएगी इन लोगों के साथ। और जैसे ही वो इवेंट खत्म होता है तो अगले दिन हम इन व्यापारियों को वहाँ पर नहीं देख सकते, तो
ट्रेडर्स कहते हैं, जो स्पेशल मेले का फायदा उठाने के लिए ही वहां पर आते हैं और अपना सामान बेचकर चले जाते हैं। दीज आर द मेन टाइप्स ऑफ स्मॉल स्केल ट्रेडर्स। उसके बाद हम लार्ज स्केल फिक्स शॉप ट्रेडर्स की बात करेंगे कल। आज आप इस पर नोट्स बनाएंगे। दैट्स ऑल।